देखिए, शिवसेना भारतीय जनता पक्ष का महायुति 219 के लोकसभा चुनाव में जितने जगह जितनी सीटें शिवसेना के नाम पर और धनुष बाण हमारे ऑफिशियल सिंबल पर 22 सीट्स हम लोग ने चुनाव लड़ा था। आज भी 224 के लोकसभा चुनाव के लिए अभी हमारा जो प्राइमरी डिस्कशन हमारे पार्टी के अंदर चल रहा है, इसमें हमारा आज भी यही कहना हमारे पार्टी के नेताओं का है कि जितने सीटें पिछली बार हमको मिली थी उतनी ही सीटें यही बार हमको मिलनी चाहिए। ये हमारे पार्टी का कहना है, ये हमारा कहना, हमारे नेताओं का कहना पार्टी के अंदर का, हमारे मुख्य नेता माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के सामने हम रखेंगे। उसके बाद जो महायुति गठबंधन का महाराष्ट्र का पार्लियामेंट्री बोर्ड है कि महाराष्ट्र की समन्वय समिति है, तीन मेजर पक्ष शिवसेना, भारतीय जनता पक्ष और राष्ट्रवादी, और उसके बाद जो हमारे साथ सहयोगी पक्ष है उनके नेता लोग है, ये सब जब इकट्ठा बैठेंगे तब इसके ऊपर फाइनल डिसीजन हो जाएगा। लेकिन ये भी चर्चा चल रही है, अगर कुछ सीटें आप लोगों को कम मिली तो बीजेपी के सिंबल पर आपके कैंडिडेट लड़ सकते हैं, इस तरह की भी कोई चर्चा या ऐसा हुआ, ऐसा हो सकता? ऐसा किसने कहा? इस तरह की चर्चा, चर्चे के बारे में तो हमने कुछ कह सकते, हमारा ऐसा अभी तो कोई इसकी चर्चा भी हमारे पार्टी में नहीं है। मैंने जो अभी कहा आपको, 22 सीट्स के ऊपर शिवसेना पक्ष के नेतृत्व में और धनुष बाण सिंबल के ऊपर हमको वो सीट मिल जाए, ये महायुति के सामने कहने की हमारी पक्ष के नेताओं की हमारे अंतर्गत जो चर्चा हुए उसमें ये तय किया है। प्रकाश अंबेडकर एमबीए से अलग जा सकते हैं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसे निकलकर सामने आ रही है कि उनकी बातें जो है वो एमबीए एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, हालांकि 6 मार्च को उनकी पवार साहब के साथ मीटिंग भी है, लेकिन एक ऐसा संकेत लग रहा है कि वो एमबीए का साथ छोड़ सकते हैं। देखिए, अलग लड़ते हैं तो आप लोगों को फायदा होगा। देखिए, अभी अम्बेडकर साहब ने कल ही अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है कि उनकी परमिशन लेने के बजाय कोई भी ऐसा महाआघाड़ी जो है उसकी मीटिंग में न जाए, और हम लोग देख रहे, एक बार महाआघाड़ी से कह जाता है हमने अंबेडकर साहब को मीटिंग का इनविटेशन दिया है, दूसरा नेता कहते हमने नहीं दिया है, एक बार चलाते हैं न्यूज़ कि अंबेडकर साहब मीटिंग में आने वाली है, जब मीटिंग ख़त्म हो जाती है तो वो नहीं आते हैं। उनको जो मान सम्मान देना चाहिए, उनकी जो मांग है उसके ऊपर जो चर्चा करनी चाहिए, वो मान सम्मान प्रकाश अंबेडकर साहब को विकास आघाड़ी में नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से अंबेडकर साहब नाराज दिख रहे। देखिए, आगे वो जो उनका जो भी अभी उसका उनका जो भी डिसीजन होगा वो होने के बाद हम लोग उसके ऊपर सोचेंगे। उनकी वजह से बात कहीं ना कहीं अटक रही है सीट शेयरिंग को लेकर, क्योंकि लगातार यही हो रहा है कि वो यू टर्न ले सकते हैं, लाइक जिस हिसाब से वो सारी मीटिंग में शामिल हो रहे हैं सब हो रहे हैं तो आप लोगों को फायदेमंद होगा। देखिए, इनका और महा विकास आघाड़ी का जो चर्चा है वो महाविकास आघाड़ी के नेता लोग या अंबेडकर साहब बोल सकते हैं, हम लोग तो नहीं बोल सकते ना ऐसा कोई। इसीलिए मैं कहता हूँ उनका डिसीजन पहले हो जाने दो, उनका डिसीजन क्या होता है, उनके बीच में क्या बात होती है, उनका डिसीजन होने के बाद हम लोग इसके ऊपर रिएक्शन देंगे। ओके, चुनाव के पहले महाविकास आघाड़ी के कुछ नेता आप लोगों के संपर्क में इसकी चर्चा है, कांग्रेस के कुछ अंतिम? बहुत सारे लोग जो महाविकास आघाड़ी में नाराज है और जिनको उनके अंतर्गत मन से ये बात उनको समझ में आई है कि अभी मोदी साहब का नेतृत्व स्वीकार करना चाहिए, ऐसे बहुत सारे लोग हमारे बहुत सारे भाजपा के नेताओं के साथ संपर्क में है, शिवसेना के नेताओं के साथ संपर्क में है, माननीय अजीत दादा के साथ संपर्क में है, उनसे हमारा चर्चा चल रहा है। आहिस्ता आहिस्ता जैसा जैसा टाइम नज़दीक आएगा तैसा वैसे आपको पता चलेगा बहुत सारे नेता महायुति में शामिल हो जाएंगे। क्या कुछ आंकड़ा बताएं, क्योंकि हालांकि चुनाव नज़दीक है? ये तो अभी नहीं बता सकते ना इतना जल्दी, ये तो हमारी अभी चर्चा चल रही है, चर्चा जब फाइनल हो जाएगी, सक्सेसफुल हो जाएगी, तब हम लोग बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको बताएंगे। धन्यवाद।